السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اجهم अल्लाह के फल तोफ़ी से किताब तोहद का बाप नंबर चौदह लेंगे जिस बाप कानवान है बे अख्तियार को पुकारना शर्क है बे अख्तियार के मानी कि जिसका इख्तियार नहीं है तो फिर इख्तियारिस का है इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह की त का है वह है जो मुख्तार कुल है जो करना चाहता है करता है फारायूरीद है और बाकी सभी उसकी मखलूक़ हैं अगर उनके पास कोई इख्तियार है तो महदूद है अल्लाह की मशीअत के साथ है अल्लाह ताला चाहता है तो वो इख्तियार उनको यानी वो चीज़ कर सकते हैं अगर अल्लाह ताला नहीं चाहता वो चीज़ नहीं कर सकते तो ये है माना बे का तो अगर इस बात ये बात मालूम हुई कि अल्लाह ताला ही की जात सिर्फ़ कायन में हकीकी मानों में बाख्ार है जिसके पास इख्तियारत हैं तो इसका माना ये हुआ कि अल्लाह के सिवा कायन में जो भी कुछ है को फिश्ता हो को इंसान हो को जिन हो को हैवान हो कुछ भी क्यों ना हो वो सभी कौन हैं वह बे अख्तियार हैं कि अल्लाह ताला ने उनको इस तरह का कोई इख्तियार नहीं दिया हुआ कि जो चाहें कर लें लेकिन इंसान कहने वाला को कह सकता है कि अगर हम बे अख्तीार हैं तो फिर हमारी पकड़ क्यों है हाँ उसका जवाब ये है अल्ला ने इसान को एक महदूद अंदाज से इख्तियार दिया हुआ है और वो उसके अमल के लिहाज से है अच्छाई करने का बुराई करने का और इसी मिले हुए महदूद इख्तियार वजह से उसकी जज़ा और सज़ा है लेकिन किसी के इखतीयार में हो कि कायनात में तसरुफ़ करे दूसरों के बिगड़ियाँ सवारे और ये चीज़ें करे हाँ ये इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को है और इसीलिए हम इस चीज़ को दलीलों के साथ देखेंगे कि कैसे अल्लाह के सिवा बाकी जो हैं किस किस तरह से बेख्तियार हैं तो अल्लाह तरमाते है पहली आयत में जो हमारे पास है أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ اللہ فرماتا ہے مشرقوں کے, کے بارے میں اَيُشْرِكُونَ کیا یہ لوگ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا کہ جو کچھ بھی پیدا نہیں وَهُمْ يُخْلَقُونَ بلکہ وہ خود مخلوق ہیں خود مخلوق ان वला इसतीम नफरन और नहीं वो इस्तात रखते उनकी किसी तरह की मदद करने की जिनको ये शरीक करते हैं ये अपने शरीक करने वालों की किसी तरह की को मदद नहीं कर सकते वला अनफुसाहुम हमसरून और ना ही वो अपने आप की मदद कर सकते हैं ताला ने इन दो आयतों के अंदर मशरकिन के जो मबूदात हैं उनके चार तरह से उनके आजिज़ होने का बयान किया है कि मशरकिन के मबूदा किस किस तरह से आजज़ हैं वो इस तरह से आजज़ हैं कि पहली बात कि कोई चीज़ पैदा नहीं कर सकते और जो कुछ पैदा नहीं कर सकता वो खालिक जो खालिक नहीं है वो मबूद कैसे हो सकता है क्योंकि जो पैदा ही नहीं करने पर कादिर उसकी इबादत फिर क्यों की जाएगी और कुरानी में अल्लाह ने जगह जगह पर इस चीज़ को अपने लिए माबूद होने की दलील बनाया है या यूहन्नासो अबूदूरबकुम खाल कम ऐ लोगों इबादत करो अपने उस रब की जिसने तुमको पैदा किया तो अल्लाह ने अपने माबूद होने की दलील क्या पेश की है कि वो खालिक है पैदा करने वाला है और यहाँ पर मशरकिन के मबूद ना होने की दलील क्या पेश की है कि वो खालिक नहीं हैं और दूसरी उनके आज़द होने की दलील वो खालक तो क्या होना बल्कि यु खलाकून बल्कि वो खुद पैदाशुदा हैं उनको ख़ुद को पैदा किया गया है और जो ख़ुद पैदाशुदा है वो किसी और का मह, म, 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 इनके उसका इनके महताज है कि जो उसको पैदा करे जो ख़ुद पैदा नहीं किया यानी जो अपने आप को पैदा ना कर सका किसी और ने उसको पैदा किया हुआ है इसका माना कि जिसने उसको पैदा किया है ये उसका मोहताज है और मोहताज मबूद नहीं हो सकता तीसरी क्या है उनके माबूद ना होने के दरीन वला यम्नसन के वो उनकी कोई मदद नहीं कर सकते हालांकि मुशरक अपने ख़ुद साख्ता मबूदों को पुकारते इसीलिए हैं कि उनसे कोई मदद हासिल करें या फला मदद लेकिन रब कायन अहकमलन के जो इन मबूदों को जिनको मुश्र पूजते हैं उनकी हालत को सबसे बेहतर जानता है वो क्या फरमाता है वनास्तियन कि मदद करते नहीं हैं बल्कि मदद करने की ताकत ही नहीं है उनकी इस्तात ही नहीं है मदद करने की मदद करना तो दूर की बातें हैं बल्कि इससे मज़ीद आगे बढ़ कर क्या है वाला अनफु समसोरून औरों की मदद तो उन्होंने क्या करना है अपने आप की मदद भी नहीं कर सकते और इसीलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब इन माबूदों को तोड़ रहे थे तो किसी माबूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का हाथ ही पकड़ा न उनसे भाग कर अपने आप को बचा सका न उनके मुकाबले में खड़ा हुआ और सिर्फ़ बात इब्राहिम आल्लम की नहीं हर जमाने के अल्लाह के बंदे तो ही परस्त, जब मशरकों के मबूदों को तोड़ते हैं ख़त्म करते हैं चाहे वो बुतों की शक्ल में हों चाहे वो क़ब्र दरगाह हों को दरख्त हो जिसकी पूजा होती हो को पत्थर चट्टान हो जिसकी लोग इबादत करते हों हाँ जब इन चीज़ों को तोड़ा जाता है काटा जाता है तो देखा यह जाता है कि कोई भी ना कोई दरख्त अपने आप को बचाने पर क़ादर होता है ना को कबर दरगाह या उसमें फ़ोत होने वाला अल्लाह का बंदा इन तोड़ने वालों को हाथ पकड़ लेता है और ना ही को और इसका मुकाबला होता है हाँ बाद क्या होता है कि वहाँ पर जिन शैतान के जो इस शिर को असल फैलाने वाले हैं और असल इस शिर का धंधा करने वाले हैं वो बाद मुकिन है शादो नदर हालत में किसी को तंग करें लेकिन तंग उसी को करते हैं कि जो बेचारा अकीदे का कमज़ोर होता है जिसका रासिक और मज़बूत अकीदा होता है उस पर शैतानों के वार नहीं चलते इसी ज़िमन में आपको किस्सा सुनाते चले जाएँ अब्दुलवाहिद मौलाना वाहिद अब कश्मीरी जो अच्छे में से हैं उनके बारे में ज़िक्र किया जाता है कि उनका एक भाई था एक आम सा आदमी बेचारा यानी जाहल सा बकरियाँ चरवाने जाता तो एक दिन वे भी उनके साथ भाई के साथ चले गए तो चूँकि कश्मीर में बर्फ़बारी का मौसम है पत्ते झड़े हुए हैं दरख्तों पर पत्ते नहीं हैं बकरियाँ खाएँ तो देखा कि एक दरख़्त बड़ा हरा भरा है उस पर पत्ते भी हैं लेकिन भाई बकरियों को उस दरख्त के पास ही ले जाता पूछा भाई से क्यों नहीं इस दरख्त के पास ले जाओ हरे भरे हर भरा दरख्त है से इसके पत्ते खिलाओ तो भाई कहने लगा नहीं इसके पत्ते नहीं खिलाते इस दरख्त को अगर काटेंगे तोड़ेंगे तो जो है क्या होगा वो जिन जो है पकड़ लेते हैं या जिन लिया जिन का नाम लिया या बुजुर्ग पकड़ लेते हैं तो अब्दुल वाहिद साहब अब्दुल वाहिद नाम भी उनका और वाकई ही वाहिद के बंदे तोहेद प्रस्त उन्हें दरत को उसकी टहनियाँ काटी और बकरियों को डाली और बकरियाँ खा कर वापस आ जाती हैं अब शाम का वक़्त होता है तो क्या होता है कि उनके भाई को जैसे उनका गला घुट रहा है आवाज़ें निकाल रहा है तो लोगों ने कहा भी इसने ज़रूर कोई काम किया है पूछा उससे क्या किया पता चला कि वो फला दरख्त के पत्ते आज इस तोड़े और उसको खिलाए तो मोहराना अब्दुलवाज कहना कि इसने तो, इसने तो नहीं खिलाए खिलाया तो मैंने हैं और मोहन अब्दुलवा साहब को कुछ नहीं ना कोई गला घुट रहा है ना कुछ और उनको परेशानी हो रही है तो कहने लगे लोगों से कि तो पत्ते तो मैंने खिलाए हैं टहनी तो उसमें मैंने काटी हैं इस ये तो बेचारा दूर भाग रहा था तो खैर उन्होंने उसको दम वम किया शैतान दिन जिन गया निकल गए तो भाई को अगर कहने लगे कि जिन तेरी तब जान छूटे छोड़ेंगे जब अब जाकर तुरंत दरख्त से काट के आप उसको ताकि उसके दिल से ये शैतानी वहम दूर हो तो बात कर रहे थे मैं सिर्फ वाक्य मेरा बयान करने का मकसद क्या है कि बाज़ात शैतान जिन जो असल इस शर्क के इसकी की करने वाले हैं बात अव मुमकन है किसी कमज़ोर ईमान वालों पर हमला करें और उनको तंग करें और लोगों को फिर ये नज़र आए कि इसने ये काम किया था किसी बुज़ुर्ग की कब्र पर ऐसा किया वैसा किया कुदरत काटा तो इसके साथ ऐसा हो गया वरना अल्लाह माता है अल्ला तम वाला अनफु समी सोरून के जिनकी ये पूजा करते हैं औरों की तो इन्होंने क्या मदद करनी अपने आप की मदद भी नहीं कर सकते अपने आप को भी नहीं बचा सकते तो अल्लाह ताला चार तरीक़ों से यहाँ पर मुशरिकीन के जो माबूदात हैं उनके बेकार उनके आजज़ उनके बोदा होने का बयान किया है और इसी तरह की आयात शोर फ्रकान में हैं माल तब मिंदू मंदून ही आलि इन्होंने अल्लाह के सिवा ऐसे माबूद बना लिए हैं लाया खलक़ून अशै अम खलकून के जो कुछ पैदा करने पर क़ादर नहीं बल्कि वह खुद पैदा किए जाते हैं मलायः अमली कू अन फ्फूसि हिम धर रू वाला नफ़ा औरों को तो क्या नफ़ नुकसान देने हैं अल्लाह तमानते हैं कि अपने आप के भी किसी नफ़ नुकसान के मालिक नहीं हैं मलायःमली कून मऊ तम वाला हयात वाला नशूरा और न किसी मौत न किसी ज़िंदगी और न मरने के बाद दोबारा जिंदा होने का कोई उनका ऐसा काम करने की ताकत नहीं है और क़ुरानी करीम की कई एक आयात हैं जिस में इस चीज़ का बयान है इस तरह दूसरी आयत जो यहाँ पर दी है मौलफ ने वजी तदरून अमिन दोनी मा अमलिकून अमिन कतमिरफातर की आयात जो बड़े ही हकीकत में तोहद के मौजू पर और शर् के श को समझने के हवाले से बहुत जाम तरीन आयतें हैं माता तै वजीना तदन अमिन वलीना वो हस्तियाँ वो बुज़ुर्ग वो वली वल्ल के नेक बंदे क्योंकि अल्लादीन का लफ्त हर वो शख़्स जिसको अरबी से थोड़ी जो है जानता है कि अल्लादीन का लफ्त जो है किसी बेजान, जान बेअल चीज़ के इस्तेमाल नहीं होती अल्लादीन का लफ्त इस्तेमाल होता है अक्लमंद चीज़ों के लिए जानदार चीज़ों के लिए पत्थरों दरख्तों के लिए अल्लादीन का लफत इस्तेमाली होता पत्थरों के घड़े हुए बुतों के लिए अल्ला का लफ इस्तेमाली होता और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शिरक फैलाने वाले उनका हमेशा प्रोपेगंडा क्या रहता है कि कुरान में जिस शर्क का बयान हुआ है बुतों का शर्क है और हम जिसकी बात कर रहे हैं ये अल्लाह के वली हैं ये बुज़ुर्ग हैं ये उस शिरक में नहीं आते अल्लाह ने फरमाया वदीना वो हस्तियाँ वो अल्लाह के बंदे बल्कि दूसरी आयतों में तो अल्लाह ने साफ फरमा दिया इबादलकुम कि वो तुम्हारे जैसे बंदे हैं तुम्हारे जैसे बंदे हैं जिस तरह तो तुम इंसान वो भी इंसान हैं तो यहाँ माँ बल्लदीन वो वो बुजुर्ग वो वली अल्लाह के जिनको तुम पुकारते हो मंदूनी अल्लाह के सिवा मा यम्लिकून कितमीर आप हाँ, पुकारते क्यों हैं क्योंकि समझते हैं कि इनके पास बड़े ख़जाने हैं जो चाहें दे देते हैं अल्लाह ताला रब्बुल तब्बमी फ्ता है कि माँ अमली वो नहीं इख्तियारखते उनके पास नहीं को मलकियत मिन कित मेर का लफ भी नखरा है और उस पर जो मिन लगा है और भी उसको मजीद उसकी नफी की तकीद करने के लिए कि किसी तरह की कोई उनके पास मलकियत नहीं है और कितमीर किसको कहते हैं कतमीर कहते हैं खजूर की गुठली पर जो हल्का सा शगाफ़ होता है छिलका होता है उसको कतमीर का नाम दिया जाता है तो दूसरे अल्फाज में आप ये कहते हैं कि वो किसी तिनके के मालिक भी नहीं हैं जिनको अल्लाह के सिवा तुम पुकारते हो वो किसी तिनके के मालिक नहीं हैं मालिक नहीं तो देंगे फिर कहाँ से अरबी में कहते फाकद उशैलाय होती जिसकी अपनी जेब खाली है वो दूसरों को क्या देगा इन तद हमलाकुम अगर तुम उनको पुकारते हो तो वो तुम्हारी दुआएं सुनते नहीं हैं मुल्ला जी कहते कि सुनते हैं अबीन कहता है नहीं सुनते अब एक मुसलमान को देखने की ज़रूरत है कि उसने किसकी बात माननी है क़ुरान है हमारे सामने औरों की बातें नहीं हैं अल्लाह के मत इन तद हम अगर तुम उनको पुकारो ला स्मऊ दुआ आकुम तुम्हारी दुआएँ सुनते ही नहीं हैं और यहाँ पर तो ये फरमाया सुनते नहीं हैं है। सूर्त में क्या फ़म फर्म, क्या फ़माया वमन अदल मैदिन तजीबरू उमन कि उससे बढ़कर कौन गुमराह होगा कौन अंधा होगा कि जो उनको पुकारता है कि जो क़्यामत तक उनकी दुआएं कबूल करने पर काजिर नहीं बल्कि उनको पता ही नहीं कि उनको कौन पुकार रहा है सुनना तो दूर की बात उनको पता ही नहीं कि उनके उनको को पुकार भी रहा है, नहीं पुकार रहा क्योंकि वो एक दूसरे जहान में है दूसरे आलम में है इस दुनिया में नहीं है कि वो तुम्हारी बातें बैठे सुन रहे हों अल्लाह है इन तद हमलायसमा दुआ अगर तुम उनको पुकारते भी हो तो तुम्हारी दुआएँ सुनते नहीं हैं वलवऊ समय हो और अगर सुन लें हाँ इसके बाद तो फिर सुन लेते हैं कभी ये वलऊ जो है ये आया है जिसको हम कहते हैं बेफर्द महाल तुम कहते हो सुन लेते चलो तुम्हारी बात मानी कि ठीक है सुन लेते होंगे वलौ समय हो अगर फ़र्द किया जाए और फर्ज मुहाल हैं सुनते नहीं हैं हकीकत यह है लेकिन तुम्हारे कहने के मुताबिक चलो हम भी कहते कि सुन लेते होंगे बलोस समय अगर सुन भी लेते होंगे तो मस्त जाबूम तो तुम्हारी दुआ कबूल नहीं कर सकते तुम्हारी जो हाजत पूरी नहीं कर सकते तुम्हारी मुश्किल दूर नहीं कर सकते तो इसका मतलब कि उनको पुकारने के फ़ायदे क्यों नहीं जो सुनता ही नहीं और अगर सुन भी ले तो तुम्हारी बात के पर कोई रिएक्शन ना कर सके अमल ना कर सके तुम्हारी की मदद ना कर सके तो उसको फिर पुकारने का फ़ायदा क्या मयूम क़ियामत अखरून अभी शेर की कम और जब क़ियामत का दिन होगा तो ये तुम्हारे इस शर्क का इनकार करेंगे इस शर्क का इनकार करने वाले दो तरह के लोग होंगे एक तो अल्लाह के नेक बंदे कि जिनको इन मुशरकों ने अल्लाह के साथ शरीक किया था ईसा सलाम हों या उनसे पहले अल्लाह के नेक बंदे कोई नबी रसूल हों ये उनके बाद रसूल करीम्सम की हस्ती या और को अल्लाह के नेक बंदे इमाम हों तो जिनको लोग अल्लाह के नेक बंदे हैं लेकिन उनको मुशरकों ने जाहलों ने अल्लाह के साथ शर्क कर दिया तो ये तो इनकार इसलिए करेंगे क्योंकि इस शर्क के वैसे ही खिलाफ थे और ना इन्होंने इस तरह के शर्का को हुक्म दिया है तो इसलिए ईसीम इस इस से जब अल्लाह तुछेगा क्या मत के दिन क्या ईसा तुमने कहा था कि मेरी और मेरी माँ की इबादत करना अल्लाह के सिवा तो इस तरह से हम क्या फरमाएँगे माँ कुलतम अल्ला माँ अमर तन भी अन्य आमदुल्ल रब वबकूँ मैं तो इनको यही कहा था कि जिसका अल्लाह ने मुझे तो ने मुझे हुक्म दिया था कि इबादत करो उस अल्लाह की जो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है तो मैं कैसे इनको इस तरह के हुक्म दे सकता था कि अल्लाह के साथ शर करो तो जो अल्लाह के रेक बंदे वो तो वैसे ही ज़िंदगी में भी इस शर के बदतरीन इसके दुश्मन थे इसके खिलाफ थे और इसी शर्क को मिटाते रहे थे इसके ख़िलाफ़ लोगों को तोहद की दावत देते रहे थे और क्यामत के दिन भी वो जो हैं इस शर्क के दुश्मन होंगे तो इसलिए अल्लाह के नेक बंदे उस शिरक का इनकार करेंगे क्योंकि वो इस वर्क़ के दुश्मन हैं दुनिया में भी आख़रत में भी और जहाँ तक जो गुमराह कन उनके पेशवा उनके रहनमा गुमराह कन मुशर बित्ती और ये इस तरह के उनके पेशवा रहनुमा जो अपनी इबादत पूजा करवाते रहे हैं या अल्लाह के सिवा औरों की पूजा पर लोगों को चलाते रहे हैं वो भी क़्यामत के दिन इन मुरीदों का इन पीछे चलने वालों के शिर का इनकार करेंगे किस लिए इनकार इसलिए करेंगे ताकि ये शिरक का इल्ज़ाम उन पर आने के बजाय मुरीदों पर लगे अल मातबलायनबी उकमीर और अल्लाह की ता जो हर चीज़ से पूरी तरह बाख़बर है उस जैसी तुम्हें वलायनबी का तुमको कोई ख़बर नहीं दे सकता तो तुमको कोई बता नहीं सकता यानी अल्लाह ताला माता है कि ये किसी चीज़ के मालिक नहीं हैं सुनते नहीं हैं दुआएं। अगर भी फर्ज किया जाए कि सुन भी लें तो कबूल नहीं कर सकते अब ये तो रब्बालमीन कहता है और मुल्ला कहता है नहीं वो मालिक भी हैं सुनते भी हैं दुआएं कबूल भी करते हैं देते भी हैं मुश्किलें दूर भी करते हैं अभी एक मुसलमान को ख़ुद इस बात का फैसला करने की ज़रूरत है कि रब कायन की बात माने या मुल्ला की बात माने अल्लाह को सच्चा समझे या मुल्ला को सच्चा सच्चा समझता है अगर मुल्ला को सच्चा समझता है तो इसका माना कि अल्लाह को फिर झूठा समझता है क्योंकि दोनों की बातें एक दूसरे के अपोज़िट उसके बर हैं अल्लाह कहते हैं नहीं सुनते नहीं किसी चीज़ के मालिक दुआएं कबूल नहीं करते और किसी कुछ मुश्किल कुशा होना हाजत रवा होना उनके पास कोई ऐसा इख्तीार नहीं है मुल्ला कहता है नहीं उसके उनके पास सारे हर चीज़ है इसका माना फिर ये हुआ कि मुल्ला की बात सच्ची और अल्लाह की बात झूठी नाऊद बिल्ला और आज अफसोस के बहुत से लोगों का यही उनका अक़ीदा है ज़बान से वो ये नहीं कहते होंगे कि अल्लाह झूठा है नाउद बिल्ला लेकिन उनके अमली किरदार से यही साबित कर रहे हैं कि हमारे मुल्ला पीर जो हमको बताते हैं वो सही बताते हैं कुरान जो कह रहा है वो झूठ कह रहा है और ऐसे लोगों को अपना इंजाम सोच लेना चाहिए समझ लेना चाहिए वो किस इंजाम के मुस्तक हैं और उसके बाद इसी तरह की आयात और भी हैं उन आयात में इब्राहीम का अपने बाप को जब वादो नसीहत करना है <Sýntat> <Sýntat> या अब तमत अब माला यस्मा वला उबसर वलायुनी का शैआा क्या बजान लिमता अब तुम उनकी इबादत क्यों करते हो मालासमा जो सुनते नहीं हैं वला ना देखते हैं वलायुगनी अन के श ना तुझे किसी तरह का को फ़ायदा दे सकते हैं अब इब्राहिम सलाम भी नौदिल्ला झूठे थे कि जो बाप को कह रहे हैं कि जिनको तुम पूछते हो ना सुनते हैं ना देखते हैं और ना को फ़ायदा देते हैं ज़रूरत है ऐसे लोगों को अपनी अक़ल का इलाज करने की जो कुरान को झुठलाने पर तुले हैं अल्लाह को झुठलाने पर तुले हैं अल्लाह के खलील इब्राहीम और रसूल अलैहिस्सलाम को झुठलाने पर तुले हैं लेकिन अपने मुल्ला की पीर की बात को मानते हैं उसके बाद बिन मालिक की हदीस है फरमाते हैं शुनः नबी सम बुसरतबाईत हो कि ओहद की जंग में आप सरसम के चेहरा मुबारक आपको जख्मी किया गया या आपके सर पर जख्म लगाया गया मसरत रबाइयत हो और आपके अगले जो दाँत हैं उन तोड़ दिए गए उनको शहीद कर दिया गया और ये वाक़ है ओहद की जंग के दौरान जब आपके ऊपर हमला होता है वार आता है तो जिस बार की वजह से आपका सर भी ज़ख़्मी होता है आपके चेहरे पर भी हती के ज़ख्म आता है आपके दाग बार भी शहीद होते हैं तो जब यह चीज़ होती है तो आप क्या फरमाते हैं कैफ़ायुफ़ कौम शज्जुनबीम वो कौम कैसे फलाह पा सकती है कामयाब हो सकती है कि जिन्होंने अपने नबी को ज़ख़्मी कर दिया हो उसका सर फाड़ दिया हो यानी आप सला का, काफ़रों का थे भी काफर करने वाले और काम भी क्या किया है कि नबी नहीं नबियों के सरदार का सर फाड़ दिया उनको जख्मी कर दिया यानी नबी के ख़िलाफ़ मामूली सी बात सोचना समझना भी बहुत बड़ा गुना है कि जैक इतना बड़ा जुर्म कर दिया तो अल्लाह के रबीम जुर् जब उनके जुर्म देखा और ज़ाहरी तौर पर इस जुर्म का जो नतीजा नज़र आता था वो यही था कि ये लोग बड़े बदबक़्त हैं ये कभी कामयाब नहीं होंगे तो आपने उसी बुनियाद पर फरमा दिया कि ऐसी कौम की फलाह कैसे हो सकती है कि जिन्होंने अपने नबी का चेहरा ज़ख़्मी कर दिया उसका सर फाड़ दिया और उसके दांत तोड़ दिए तो आपने अल्लाह ताला ने क्या नाजर फुमायामरी शईद ए नबी साम आपका कोई इख्तियार नहीं है अल्लाह के अहकाम में से अल्लाह के अवामिर में से आपका कोई इख्तियार नहीं किस लिए अल्लाह तल चाहे तो इनको आदाब दे और चाहे तो इनकी बख्शिश कर दे यानी आप कहते हो कि कैसे ही कामयाब होंगे हाँ इनके कामयाब होना इनका नाकाम होना इनका जनती होना इनका जहनमी होना ये आपका फ़ैसला नहीं आपका इख्तियार नहीं है ये इख्तियारब्दुलमीन का है और उसके बारे में मज़ीद भी दूसरी रिवायत में इम उमर की रिवायत में ये आता है कि आप सल वम के फ़जर की नमाज़ के लिए जब नमाज़ पढ़ते तो दूसरी रक़त के बाद रकू के बाद जब खड़े होते समय अल्लाह अल्लाहमद अबना रकमद कह कहकर आप दुआ पढ़ते अल्लाम फ़लानन व फलाना कि अल्लाह फ़लाँ फ़लाँ पर लानत कर आप काफ़रों के नाम ले लेकर और दूसरी रवायत में आता है कि जिन काफ़रों के नाम लेते वह कौन थे यदुललाफ्न इबन उमैया व सुहैल इबन अमर व हारफ़ इब्निशाम तीन काफरों का नाम भी कराता है कि आप इनके नाम लेकर इन पर बद दुआ करते तो उस पर याद नादर होती है लई सला कामिर शई ए नबी रहा आप के इख्तीयार में कुछ नहीं आप चाहते हो कि इन पर लानते भेज कर इनको अल्लाह की रहमत से महरूम कर दो जहनवी बना दो तो आपके इख्तीार में कुछ नहीं ये हदीस भी हमें किस बात की दिल देती है कि रसूल करीम पर क्या जुर्म ज़्यादा हुई क्या गुस्साखी इंतहा हुई और आपने उसी बुनियाद पर इस कौम के नाकामी इनकी बर्बादी इनकी हलाकत का फ़ैसला कर दिया कि इनके ये होगा तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ए नबी अब इन चीज़ों का इख्तियार नहीं है अल्लाह ताला चाहे तो इनको अजाब दे क्योंकि काफर हैं मुजरम हैं और चाहे तो इनको बख्श दे यानी कि काफ़र होते बख्श दे बल्कि बख्शने का माना कि इनको ईमान की तोफ़ी दे दे ईमान ल तोद अपना लें और सही रस्ते पर चल पड़े और अल्लाह इनकी बख्शिश कर दे और तारीख़ पढ़ने वाला ये देखता है कि उहद की जंग जिसमें आपको ज़ख्मी किया गया आपका सर फोड़ा गया और ये आपके साथ गुस्ाखी की इंतहा की गई इस जंग के जो बड़े बड़े कायदीन हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ उस जंग का सिपा सालार सुफियान, उसके बड़े कायदीन में से एक रबनबी जहल कि जिसके हाथों मुसलमानों को बड़ा नुकसान हुआ ख़ालद अबनवलीद वजील त हो जिनके हाथों मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ तो ये बड़े बड़े जो जंग उहद के किरदार थे जिनकी वजह से मुसलमानों के नुकसान हुए थे तारीख बताती है कि यही लोग आगे चल कर मुसलमान होते हैं और इस्लाम के कमांडर बनते हैं वही खालिद इबन जिनके हाथों उहद की जंग में मुसलमानों का इतना बड़ा नुकसान हो रहा था वही आगे चल कर सैफुल्ला का लकब पाते हैं और इस्लाम का झंडा जो है मशरक़ मगरब तक जो है गाड़ते हैं तो कहने का मकसद अल्लाह तला ने दिखा दिया ना कि सिर्फ बता दिया बताया तो है यहाँ पर नहीं सला क्या रशीद आपका कोई इख्तियार नहीं है अल्लाह चाहे तो उनको आदाब दे चाहे तो उनको बख्शे और साथ दिखा भी दिया कि वाकई अल्लाह ने उनको ईमान दिया और ईमान की नमत से मुनवर हुए और इस्लाम के कमांडर बनते हैं और इस्लाम के लंबरदार बनते हैं और जनतों के वारस बनते हैं अल्लाह ने दिखा भी बता भी दिया और दिखा भी दिया रहती दुनिया को कि अगर कायनात में किसी का हुक्म चलता है तो अल्लाह की जात है और नबी करीम सल वसलम जो जहानों के इमाम हैं नबियों के सरदार हैं अगर आपका कोई इख्तियार नहीं अल्लाह के इख्तियारत में से आप अल्लाह के फ़ैसले में को अपनी तरफ़ से कोई चीज़ नहीं कर सकते तो फिर आपके बाद कौन है कि जिसके पास अल्लाह के इख्तियारत हों और जो चाहे कर सकता हो हकीकत में ये बातें हमें समझने की सीखने की ज़रूरत है इसी तरह आगे से बुखारी की हदीस है जिसे अब वजी अल्लाह तरह आते हैं कि जब अल्लाह तक ने आप पर यात नाजर की कल अकराबीन के अपने जो तुम्हारे क़रीबी रिश्तेदार हैं उनको अल्लाह के आदाब से डराओ तो आप कुरैश को मुखातब करते फरमाते हैं या माशर कुरैश ए क्रैश के लोगों ए क्रैश की जमात अ कलीमतनखा या आपने को और इस तरह की बात कही इश्तर अनफुसकुम अपने आप को ख़रीद लो ला उगनी अन कुमिन शै मैं अल्लाह के पास अल्लाह के यहाँ तुम्हारे कुछ काम न आ सकूँगा पहले पूरे अपने कबीले को मुखातब किया कुरैश को कि ना समझना कि हमारे कबीले का नबी है नबियों का सरदार है बचा लेगा छुड़ा लेगा बल्कि मैं अपने आप को अल्लाह से बचा लो जहन्नम से बचा लो अपने आप को खरीद लो जहन्नम के बदले में और अपने आप को छुड़ा लो उसके बदले में लाअनील्लाश आल्ला के हाँ मैं तुम्हारे किसी काम न आ सकूँगा पूरे कुरैश को पूरे कबीले को मखातब करने के बाद फिर ख़ास ख़ास जो करीबी बहुत लोग थे उनको मुखातब करते माया या अब्बास इब्न मुत्तलिब ला उनी अन का मीनला शै मैं भी तुम्हारे अल्लाह के यहाँ कुछ काम ना आ सकूँगा अब्बास कौन है आपके चचा जिनके आप बहुत इज़्ज़त और अहतराम करते थे या सफ़ैतु अमत रसूल अलैहि वसल्लम ए सफ़िया अल्लाह के नबी की फूफी ला उगनी अन की मीनल शै मैं तुम्हारे अल्लाह के यहाँ हमारे अल्लाह के यहाँ कुछ काम ना सकूँगा और फिर आखिर में अपनी चहती बेटी उनको फ़रमाया या फातिमा तो बिनती महम बिन तहम्मद सली नी मारी माशी थी ला उगनी शै आ ए फ़ातिमा मुहमद सल्लम की बेटी तू मेरे माल में से जो चाहे मांग ले थोड़ा हो ज़्यादा हो मैं मेरे पास जो है तुमको दे दूँगा लेकिन लागुन की मिनल्ला शै अल्लाह के यहाँ तेरे किसी काम न आ सकूँगा यहाँ पर काबिल गौर चीज़ क्या है कि ये बात किस की है सदालमसलीन की नबियों के सरदार की आप किस को कह रहे हैं सदतिसआलम उस औरत को कह रहे हैं कि जो जहानों की औरतों के सरदार हैं फातम रजील त आप नबियों के सरदार हैं और फातमा बेटी जो है वो जहानों की औरतों के सरदार है लेकिन नबियों का सरदार इस सरदार बेटी के भी काम ना आ सका ये औरतों के सरदार बेटी अपने नबी नबी से कुछ फ़ायदा हासिल कर पाई अगर अपना अमल नहीं है तो जिसे क्या पता चला एक रवायत में आता है अल्लाह के नबीसम का फरमान है मन बता अभी अमल हो लमयुसरी अभी ही नसब हो जिस तरह के सही मुसिम के हदीफ में अपमाते हैं कि जिसका अमल उसको पीछे छोड़ दे उसके हंसब व नसब फिर उसको आगे नहीं ले जाते आदमी बड़े ऊँचे व नसब का हो और फातमा बिल्ते मोहम्मद रज़ी तंस बढ़ कर किसका नसब ऊँचा हो सकता है कि नबियों के सरदार की बेटी हो लेकिन इसके बावजूद हम आते हैं कि तेरा अमल तेरे काम आएगा ना समझना कि मैं तुम्हारे किसी काम आऊँगा तो ये है आज का वो अजीम सबक और दर्स कि जिसका क्या था कि बे इख्तियार को पुकारना शिरक है अगर जहानों का इमाम नबियों का सरदार वो बेख्तियार है अपनी बेटी को नहीं भी नहीं बचा सकता अपने आप को नहीं बचा सकता और अपने क़रीब तरीन अजीब तरीन रिश्तेदारों को नहीं बचा सकता इस क़दर अल्लाह के सामने आपकी आजदी है अल्लाह के सामने अल्लाह के इख्तियार हवाले से आप बेखियार हैं तो फिर आप बाद कौन है कि जो मुख्तार कुल हो जो जो चाहे कर सकता हो हमारे यहाँ जो गुमराह किस्म के फलसे और ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि फ़लाँ बचा लेता है फला छुड़ा लेता है ये सारे झूठ और ये सारे शा, सारे शैतानी इन फलसफे जो लोगों को सिखाए जाते हैं हाँ ये वो चीज़ें हैं कि जिससे पता चलता है कि ये सारी गुमराहियाँ हैं और यहाँ पर तो अब मुखिर अंदाज़ से आएते बन की हैं या यह हदीसी की हैं वरना ये मौजू इससे कहीं लंबा है कुरानी करीम को देखें तो वहाँ पर आपको दसियों आयात मिलेंगे इस मौ पर नफ़ालाशा अल्लाह सुरतः है कि कह दीजिए कि मैं अपने किसी नफ़े नुकसान का मालिक नहीं हूँ सबा जोल्ला चाहहाकुन तो आलम सतन खैर अगर मुझे गायब का इलम होता तो मैं बहुत ज़्यादा खैर वढ़ाई कर लेता मामा बस और मुझे कोई नुकसान तकलीफ कभी न पहुँचती इअन्ला नज़ी बशीर मैं तो सिर्फ़ डराने वाला और ख़ुशबरी देने वाला हूँ कौमी अयून ईमान लाल वकली कौम के लिए और सूरत जिन में अल्ला ने क्या घुमाया कुल नमिली कुकुमदर रूँ वाल शादा कह दीजिए कि मैं तुम्हारे लिए किसी नुकसान या किसी रिश्त हदायत की इख्तियार नहीं रखता कुल इी नई जी मिल्ला औरों को तो क्या मैंने नफर नुकसान करना मुझे अपने आप को भी अल्लाह मुझे अगर मुझे भी पकड़ ले तो मैं अपने आप को बचा नहीं सकता वन अज दम्दून ही मुतहदा और अल्लाह के सिवा मेरा कोई परागा कोई ठिकाना नहीं है कहने का मकसद पुरानी करीम के दसियों आयात हैं कि जो इस बात की दलीलें हैं कि हती के नबींव के, के सरदार जहानु के इमाम भी अल्लाह के इख्तियारे से कुछ हिस्सा नहीं रखते आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस बाप के मसाइल देखते हैं पहला मसला इस बाब में सूरत आराफ और शूर फ़ातर की मदकूर आयात की तफसीर है कि जिनमें किसी भी बे को पुकारने से मना किया गया है जिस तरह के पहली आयत में हमने फ़माया पढ़ा हैकुश उमलकून और दूसरी याद में वदिनतम्दोनकून अमनमेर गजबाएद का मुख्य तस्करा इन्हें एक झलक पेश की है किहद की जंग में आप सरसम को जो जख्मी किया गया आपका चेहरा बार ज़मी होता है दाँत मारे टूटते हैं तो उसका अखसर शायक यानी कि वाक़ यानी कि मंजर पेश होता है तीसरा फायदा साबित हुआ कि सईदालमरसलीसम नमाज़ में क़ुरुत नादरा पढ़ते और आपके पीछे साहबा कराम आमीन कहा करते थे क्योंकि आपकी ये दुआ अलफ़लैन वफलैन ये कब थी ये फ़जर की नमाज़ में थी आपकी बदाएँ ये फ़जर की नमाज़ में थी तो आप नमाज़ पढ़ते उसमें बद दुआ करते और ये इसको कुरुत नाजरा कहते हैं कि जो इस तरह के हालात में की आती है कि जिसमें मुश मुसलमान किसी मुश्किल और इस तरह के मामला से दर, उनको दरपेश हों चौथा फ़ायदा इसका यह मसला जिन लोगों पर बद की जा रही थी वो बिलाशुबा काफिर थे खुले काफिर थे बदतरीन इस्लाम के दुश्मन थे लेकिन उन पर बदुआ करने से भी अल्लाह ने मना कर दिया पाँचवा फ़ायदा इन कुफ़ार ने नबी करीम से ऐसी बदसलूकी की थी और आपको ऐसी हिदायत दी थी कि दीगर कुफार ने ऐसा ना किया था यानी बाकी लोग भी काफ़र थे लेकिन इनकी दुश्मनी मुखालफत कहीं बढ़ कर थी मसलन नबी के मुलाम को ज़ख़्मी करना आपके कतल के दरपा होना मुसलमान शुहदा का मसलरा करना मसलाँ करने के मानी उनके नाक कानवरा काटना हालांकि वो शुहदा इन कुफार के अमजा उनके चचा दादा और रिश्तेदार भी थे और उन्हें इस रिश्ते का भी लिहाज ना किया जिससे पता चलता है कि काफ़र जो है अगरचे वो भाई भी क्यों ना हो बाप बेटा भी क्यों ना हो लेकिन काफ़र जो है वो शैतान के पीछे चलता है उसको खुश करता है ना कि इस अल्लाह को तो चनाचे इस लिहाज से मुसलमान का दुश्मन है छठा मसला इसके बावजूद इन कुफ़ार की इस बदसलूकी और नबी करीम अलैहि वसल्लम की इनके खिलाफ बद के बाद अल्लाह तरमाया लेनी ए पैगम्बर सल्लम इस मामले में आपके कोई आप कुछ भी इख्तियार नहीं यानी इस बदसलूकी के बावजूद भी अल्लाह ताला ने आपको फ़रमा दिया कि आपका इनके मामले में कोई इख्तियार नहीं इख्तियार है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात का है सातव मसाला बल्कि अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया और ये तो बारह और युवा बहम अल्लाह त मर्जी हो तो उन्हें माफ़ कर दे या आजाब दे चुनाच अल्लाह तेहें माफ़ कर दिया और ईमान ले आए यानी यहाँ पर भी अल्लाह ने मुकमल तौर पर अपने इख्तियार जिक्र किया है कि उनको माफ़ करना अजाब देना हमारा काम नहीं है वो अल्लाह के अख्तियार है आठवां फ़ायदा ये मसला नजूल हवास के मौके पर करूतः नाज़ला पढ़ने का सबूत भी मिलता है क्या मतलब कि जब हादसा दरपेश हों पर तरह तरह की सख्तियाँ हों तो उस वक़्त कलूत नाज़ला पढ़ना सुन्नत है और तमाम नवाजों में पढ़ी जा सकती है मसला नंबर नौ में नमाज़ नमाज में जिन लोगों पर बद दुआ की जाए और उनके आबाजाद का नाम भी लिया जा सकता है अगर नवाद में किसी पर बदुआ की जाए तो ऐसा इन हदीस से पता चलता है कि उनका नाम भी लिया जा सकता है क्योंकि आपने नाम लेकर बदुआ की कि सफ़ान बिन मैया सुह, सुहैल बिन अमर और हार बिन हिशाम आपने उनके नाम लेकर उन पर ले बदा की दसवें फ़ायदा उर्वतना नाज़ला में किसी मखसूस आदमी का नाम लेकर उस पर लानत करना जायज़ है अल्लाम फ़ुरैन व फिरन दूसरी रात में इसे पता चला कि खनूत नाजला या किसी वक़्त भी किसी मखसूस आदमी पर लानत करना उसका नाम ले कर लेकर जायज़ है लेकिन ये जायज़ ऐसे नहीं है इसके जायज़ होने की शर्तें हैं कि किसी के ऊपर लान भेजना उसका नाम लेकर पहली बात तो यकीनी तौर पर इस बात का सबूत हो कि वाकई ही वो लानत का हकदार है मशरक़ है या कोई ऐसा काम करता है कि जिस जिस पर जिसके करने वाले पर लानत पड़ती है लान भेजी जाती है और उसको ये भी नहीं पता कि वाकई ही ये काम हराम का या गलत है यानी उस पर हजत भी कायम नहीं हुई तो अगर उस पर हजत कायम हो चुकी है और पता है उसको कि वाकई ही ये काम गलत है और ऐसा काम करने वाले पर लानत है तो ऐसे आदमी पर नाम लेकर भी उस पर लान भेजी जा सकती है वरना असल ये है कि कहा जाए कि हर वो आदमी जो शिरक करता है उस पर अल्लाह की लानत हो हर रिश्वत लेने वाले पर अल्लाह की लानत हो हर सूद खाने वाले पर अल्लाह की लानत हो बगैर बजाय किसी का नाम लेने के। उसके बाद बारवा फ़ायदा या ग्यारहवा फ़ायदा तो अंदिरतक्रबीन के नज़ूल के मौके पर आपका अपने क़रीबी रिश्तेदारों को बुला कर एक एक कर अल्लाह की अल्लाह के आदाब से डराना और अपनी अपनी निजात के फ़िक्र करने का भी इसमें बयान है हाँ जब हंदिरशरतरबी याद नाजर होती है आपने अपने घर में अपने रिश्तेदारों की क्श के लोगों की दावतें की ताकि उनको अल्लाह के दीन तोहद का पैगाम उनको सुनाया जाए और बारवं फायदा जब नबी करीम वसल्लम ने तोहद की दावत दी तो नबी नबी करीम अलैहि वसल्लम को मजनू कहा गया इसी तरह आज भी अगर कोई तोहद की दावत दे तो उसे भी इस कस्म के बातों का सामना करना पड़ता है यानी अगर आज तो की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है तराशियाँ बहुतानबाजियाँ होती हैं और तरह तरह की अजियतें दी जाती हैं तो ये नबियों का तरीक़ा है उनका मनहज है तेरहवा फ़ायदा यह मसला नबी करीम अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी और दूर के रिश्तेदारों से ये फरमाया कि अल्लाह ताला के हाँ मैं तुम्हारे किसी काम में आ सकूँगा यानी आपका करीबी रिश्तेदारों और बाद मखसूस अफराद को बुला कर कहना कि मैं तुम्हारे किसी काम में आ सकूँगा हती कि नबी करीम सल्ल में यही बात अपनी लस्त जिगर फातमा रजील अल्ल तस्तराहत फरमाई तो नबी करीम सैदालमसल होने के बावजूद अपनी रखते जिगर को और सैदामी से फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताल के यहाँ तुम्हारे किसी काम ना आ सकूँगा जैसे क्या पता चलता है कि अगर आप अपनी चेहती बेटी के काम ना आ सके तो फिर दूसरा कौन है कि जो किसी के काम आएगा और हमारा ये भी ईमान है कि नबी नबीसम की जबानबारक से सवाये हक़ के कुछ और नहीं निकलता इन सलाहतों की रोशनी में आज कल के हालात पर गौर किया जाए तो इस गलतफ़हमी के कि अल्लाह के यहाँ अम्बिया और सालीन कुछ काम आ सकते हैं तो इस गलतफ़हमी जो आवाम में है बल्कि खवास में भी खवास पर उसमें मुबतला है तो तोहद की में मुकशप हो जाती है और ये भी पता चलता है कि आज लोग दीन से किस कदर दूर हैं यानी उनका इस मसले में बयान करने का मकसद क्या है मकसद ये है कि अल्लाह के रबिया की इसका दो, दो टोक और वादे बातें कि जिसमें आपने सिर्फ़ एक अल्लाह के मुख्तार होने का उसी के इख्तियारत का जिक्र किया है लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे कुल लोग में मौजूद हैं कि जो आप ही को मुख्तार कुल बना लेते हैं या आपके अलावा अल्लाह के दूसरे बंदों को इख्तियार देते हैं तो ये था आज का बाप जिसमें हमने पढ़ा कि बे अख्तियार को पुकारना शर्क है वार्क लाफिक है अगर कोई अपने घर वालों को दावत दे चुका लेकिन अगर वो दावत नहीं करते आगे। जी, अगर अपने को दावत दे, दे चुका हो लेकिन अब वो अगर दावा करे तो घर वाले परेशान करते हैं तो इस वजह से वो दावा देना कम दे देता है कम कम, 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 दे कर, दे कम कर, है। कर देता है तो क्या उस पर कोई गुनाह होगा सवाल किया गया है कि अगर कि कोई अपने अपने घर में दावत देता है और घर वाले उसकी बात कबूल नहीं करते और उसको परेशान करते हैं या उसकी बातों से तंग पड़ते हैं और ये होता है किसी एक शख्स का मामला नहीं बल्कि हमेशा यही होता चला आया है अल्लाह के नबी रसूलों के भी सबसे पहले मुखालफ उनके घर वाले होते थे अक्सर बेशतर घर वालों से मुराद किसी के बाप दुश्मन है किसी के उसके रिश्तेदार उसके दुश्मन हैं किसी की बीवी उसके दुश्मन है जिस रनू सल रलू साम की बीवियों का जिक्र किया है तो इसलिए घर में इस तरह की मखालतें होना बड़ी बात नहीं है और तोहद के आदमी जब दावत देता है तो उसकी हमेशा मुखालफत होती ही है लेकिन हमें चाहिए कि इस मौके पर हमत अमली इख्तियार करें पी ए की दावत देना छोड़ दें जिस तरह जिक्र किया गया सवाल में बल्कि दावत देते रहें और देने का अंदाज़ अच्छे से अच्छा बेहतर से बेहतर अपनाएं और उसमें नरमी का पहलू इख्तीार करें और देखें कि घर के अफराद में से कौन है कि जो ज़्यादा इस चीज़ में हर धर्म है या ज़्यादा ही इसमें रुकावट पैदा कर रहा है उसको अलग से उसके लिए अलग से वक्त निकाल कर उसकी असलाह की कोशिश की जाए तो कहने का मकसद जिस तरह हम दुनिया के मामल में बाज़ा दुश्मनिया मुखालफें होने के बावजूद भी अपने काम चला लेते हैं तो हमें दीन के हवाले से कहीं ज़्यादा इसकी ज़रूरत है कि हम दावत दें और अगर कोई मुखालफें दुश्मनी होती हैं तो उनका मुनासब तरीके से जवाब दें बार फिकार है। है, हैं गरीबी उनको मैंने दावत भी दी है लेकिन फिर भी वो आ, उस पर अमल नहीं करते तो मैं क्या उनसे ताल्लुक कर सकती हूँ जी हाँ किसी बहन की तरफ से सवाल है कि यानी उसके रिश्तेदार हैं कि जो शर्क बड़े शर्क में मुबला हैं और ये उनको दावत दे चुके हैं कई बार लेकिन फिर भी वो अपने उस शर्क़ से बात नहीं आते क्या तो क्या इस हाथ में उनसे बाईकाट करूँ देखिए असल तो यही है कि एक मुसलमान का मुशरक से बाईकाट रहे उससे दुश्मनी रहे या नाम तखादिया रहमाता सूरत मुता की पहली आयत में क्या वो लोगों जो ये मान लाए हो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त ना बना लो तो असल तो यही है कि एक मुसलमान की काफ़र मुशर के साथ दुश्मनी हो अदावत हो बुगज़ हो लेकिन इस दुश्मनी और भुग़ का माना ये नहीं कि उसको दावत देना छोड़ दी जाए उसके लिए खैर वलई ऐसी चीज़ करना कि जो उसको अल्लाह के दीन की तरफ़ ला सकती हो ऐसी चीज़ छोड़ देना भी उसके साथ ज्यादी है इसलिए उसको दावत दी जाए अच्छे अंदाज से दी जाए और अल्लाह से दुआ भी की जाए हम बाबा का दावत देने को देते हैं समझाने को समझाते हैं लेकिन अपने ऊपर एतम करके और अपने ऊपर एतम करने के बजाय अल्लाह पर अतम होना चाहिए अल्लाह से दुआ होनी चाहिए और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है आपने जब देखा उमर फारूक के बारे में अबू जहल के बारे में कि ये लोग हैं मक्का वालों में बड़े समझदार हैं और उनकी बड़ी यानी कि लोगों पर एक यानी कि उनका अच्छा एक रोब है तो आपने दुआ मांग कर अल्लाह ताला से इस चीज़ का तलब किया कि इन दोनों में से किसी को हदायत दे दे और भी इस तरह की आपके दसियों जो मिलती है हमको कि दूसरों के हदायत के दुआ के लिए तो हमें भी यहाँ पर इस दुआ का एहतमाम करने की ज़रूरत है और दिल अल्लाह के हाथ में है अल्लाह जब चाहे दिलों को फेर सकता है मायूस नहीं होना चाहिए और दावत का काम जो है वो अच्छे तरीके से जारी रखना चाहिए वार्क